Hello everyone, so today we're gonna talk about sentences, word. What is word? So here we have this word. Word means meaningful unit of letter, that is called word. किसी भी शब्द, कोई भी शब्द होता है, अगर उसका letters सही नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता. तो जिसका बकायदा मीनिंग हो, है ना, उसको वर्ड कहते हैं. फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज उसे कहते हैं जब दो या एक शब्द, जब दोनों मिल जाते हैं परंतु उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसका मतलब कि मीनिंग नहीं होता. आधे अधूरे शब्दों को हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं. ठीक. इसके अलावा जब वर्ड की बात हमने कर ली, वर्ड एक होता है, ठीक, इसका खुद का मीनिंग होता है. फ्रेज हो गए जिसमें दो शब्द होते हैं और उसका कोई मतलब नहीं होता, आधा अधूरा शब्द होता है, आधा अधूरा मीनिंग होता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं. फ्रेज तीन प्रकार के होते हैं, ठीक. एक होता है नाउन, नाउन फ्रेज. दूसरा होता है एडजेक्टिव, जो विशेषता बताते हैं, ठीक है. और एक होता है एडवर्ब, एक्शन की बात करते हैं. तो तीन प्रकार के हमारे फ्रेजेस होते हैं जो कि इंग्लिश में हम जब ग्रामर पढ़ते हैं तो फ्रेज की जब बात होती है तो इस तरह से तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, राइट. नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट, फ्रेज के बाद आता है वर्ड, हो गया फ्रेज हो गया, उसके बाद हमारा आता है सेंटेंस, राइट देयर. सो व्हाट इज़ द सेंटेंस? सेंटेंस में एक से ज़्यादा शब्द होते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं. तो जब एक शब्द, दो शब्द और तीन शब्द जब आपस में ये सेंटेंस बनाते हैं, मीनिंगफुल मीनिंग निकलता है उस सेंटेंस का, कोई मीनिंग निकलता है, तो हम उसको कहते हैं ये एक सेंटेंस है. एक तो सेंटेंस का मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए उस सेंटेंस, ठीक है. दूसरा मीनिंग इसका ये निकलता है कि आपकी वर्ड्स, आपका सेंटेंस उल्टा फुल्टा भी हो सकता है परंतु उसकी अरेंजमेंट्स अगर सही है, अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड्स, जो भी हमने वर्ड्स सेंटेंस बनाने में लगाए हैं वो उसका अरेंजमेंट सही होना चाहिए. स्ट्रक्चरली कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल, उसका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, राइट देयर. और इसके अलावा बात करें तो करेक्ट यूसेज होना चाहिए. जो भी हम लाइन में वर्ड्स लिख रहे हैं उसका यू नो ग्रामेटिकली नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है उस सेंटेंस में, वो पता होना चाहिए. तो जाके हम सेंटेंस को परिभाषित करते हैं कि सेंटेंस एक करेक्ट कंप्लीट मीनिंग की बात करता है, अरेंजमेंट्स की बात करता है, करेक्ट यूसेज की बात करता है. इसके अलावा जब हमने सेंटेंस पढ़ा, जैसे कि मैं गया सो, तो अब ये क्या है? ये कोई सेंटेंस है? मैं सो गया, ये सेंटेंस हो सकता है. या और सेंटेंस लेते हैं, वह रहा रो था, ये क्या है? अरेंजमेंट्स सेंटेंसेस की कैसी रोनी है? मुझे उबाल कर दूध पिलाओ, ठीक है. तो इसमें क्या मिसिंग है? इसमें ये मिसिंग है कि ऐसे बोल सकते हैं, वह रो रहा था, रो पहले आएगा, रहा बाद में आएगा. कहने का मतलब है कि इसकी जो सेंटेंस की अरेंजमेंट है वो गलत है. ये जो रोना जो वर्ब है पहले आएगी और रहा था जो था वो बाद में आएगा. तो अरेंजमेंट्स की यहाँ पे बात की गई है. किसी भी सेंटेंस को बनाने में अरेंजमेंट्स का काफ़ी ध्यान रखा जाता है. जब हम काइंड्स पे आते हैं, जब इसके प्रकारों पे आते हैं, तो बहुत सारे प्रकार निकल के आते हैं. सबसे पहले तो आपको यू नो
सेंटेंस बनाना किस तरह से, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए सेंटेंस का, सिंपल, कंपाउंड और कौन सा, कॉम्प्लेक्स। तीन प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल तो वो हो गया है जो जिसमें कोई जिसमें सिर्फ, जब हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के रिलेटेड, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, दोनों। जब हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे सामने सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है। कहने का अर्थ है कि जब सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें सिर्फ ये तीन ज़रूरी होते हैं। जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड नाम से ही पता चल रहा है कि किसी को जोड़ा गया है। जब दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज़ किया जाए, या किसी भी एंड, बिकॉज, सो, दैट, इसका यूज़ किया जाए, तो कंपाउंड सेंटेंसेस के नाम से जाना जाता है। इसका ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि जब दो सेंटेंसेस का मीनिंग इंडिपेंडेंट है, जैसे कि वह खाना खाता है जो, मतलब कि ऐसा कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें कंपाउंड हो रहा हो कोई सेंटेंस, दोनों अपने अपना अपना मीनिंग रखते हैं। शी इज़ लेज़ी, शी कम लेट। शी इज़ लेज़ी, शी कम लेट, केम लेट या कम लेट, कुछ भी लगा लें। तो कहने का मतलब है, इसमें भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है, मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि ये सेंटेंस यहीं ख़त्म हो गया, शी इज़ लेज़ी, वह लेज़ी है और वह लेट आती है। तो ऐसे इसको जोड़ने के लिए जब हम लगाएंगे एंड लगा के हम केम लेट, ठीक है, इस तरह से हम इसको जोड़ते हैं। इन दोनों सेंटेंसेस का आपस खुद का इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मीनिंग है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे निर्भर नहीं है। इसलिए कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एंड, बिकॉज, सो, दैट, ये सभी कंजक्शन का यूज़ करके हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तीसरा आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है और यहाँ पे एक सेंटेंस है, इसमें एक सेंटेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जिसका खुद का मतलब होता है, और दूसरा उसी पे निर्भर होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। मतलब कि एक सेंटेंस जो है वो इस पर निर्भर करेगा, या ये वाला सेंटेंस इस पर निर्भर करेगा, या ये वाला इस पर करेगा। कहने का बस मतलब इतना ही है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जो कि एक सेंटेंस तो कंप्लीट कर रहा है, परंतु वो ही सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे निर्भर रहता है। जैसे कि राम 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 इज़ गुड टीचर, ऐसा लिख सकते हैं। अगर राम इज़ अ गुड टीचर, हु इज़ ऐसे, मतलब कि जो कि बहुत ही, ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। कि कहने का मतलब बस इतना ही है कि एक सेंटेंस जब दूसरे सेंटेंस में डिपेंडेंट होता है, तब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हम बात करते हैं। ये था तो हमारा स्ट्रक्चरल बेस्ड, कि किस तरह से स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो है हम सेंटेंस को डिवाइड करते हैं, जैसे कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के नाम पे, ठीक है, 1 2 3। और जब हम इसको सेंटेंस, इसकी काइंड्स को हम दूसरे फंक्शन के इस बेसिस पे हम इसको डिवाइड करेंगे कि काम कैसे करता है ये, तो बहुत सारे आते हैं। जैसे कि पहला आ गया असर्टिव। असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं जो अपना खुल के दावा करते हैं, ठीक है, डिक्लेयर कर देते हैं, भाई ये ऐसा होता है, उसमें कोई घबराहट, चिंता की बात नहीं होती। दूसरा होता है इंटरोगेटिव। हम सबको पता है कि इंटरोगेटिव सवाल पूछने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा, इंटरोगेटिव हम दो तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। तीसरा हो गया इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, पर अंडरस्टूड होता है कि भाई
रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कंपाउंड, कमांड, एडवाइस, ये सब देते हैं हम लोग। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जब हमारा सडन फीलिंग निकलती है हम हमारे अंदर से। ऑप्टेटिव भी होता है, ऑप्टेटिव वो होता है जब हम किसी को बददुआएं दुआएं ये सब देते हैं। तो काफ़ी ये सारे सेंटेंसेस काइंड सब पढ़ने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो हम किसी को डिक्लेयर कर देते हैं, डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है। कोई भी सेंटेंस अगर हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है ना, तो हमारा या तो हम पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है, या हम नेगेटिव बोलेंगे। दो तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी कहा जाता है। कहते हैं ना, जो हम अफर्मेटिव अफर्मेशन बोलते हैं सपोर्ट के, तो वही हमारी अंदर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये रन करती हैं और कहीं ना कहीं वो हमें हेल्पफुल होती हैं, हमारे लाइफ को पॉजिटिव वाइब्स देती हैं। तो अफर्मेशन वो भी हम इसमें रिलेट कर सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी बात को अपना अधिकार मान के सही कहना या गलत कहना, मतलब कि ठीक है, जैसे कि रेनू वॉज डूइंग द वर्क, ठीक है, हम कह रहे हैं कि रेनू जो है वो सही काम कर रही है, डिक्लेयर कर दिया, अधिकार से कह दिया कि भाई ये सच है, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गया। तो जैसे कि हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, अजय वॉज नॉट फोकसिंग ऑन हिज वाइफ, अजय अपनी वाइफ पे फोकस नहीं कर रहा है, अधिकार से कह रहे हैं ना, नेगेटिव कह रहे हैं। तो जब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें कैसा स्ट्रक्चर चाहिए, सिंपल स्ट्रक्चर। अभी हम पढ़ के आए हैं, सिंपल स्ट्रक्चर में हमें लगता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो सब्जेक्ट में हमारा कोई भी सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, रेनू लगा लो, रेनू वॉज डूइंग डूइंग द वर्क, ठीक। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि रेनू जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग हमारा मेन वर्ब है, द वर्क जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। जब ऐसे सेंटेंस हमें देखने को मिले तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा अजर्ट या अजर्ट डिक्लेयर करने की बात की जा रही है। हम अधिकार से कोई बात को रखते हैं तो हम असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात हम करते हैं। जब हम नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव किस तरह से हो सकता है, नेगेटिव में हम नॉट की बात करेंगे। नॉट मतलब इसमें कोई नेगेटिव बात हो रही है, जैसे कि सब्जेक्ट वही स्ट्रक्चर आएगा, हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस मेन मेन वर्ब, नॉट बीच में आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्योंकि जब नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीचों बीच लगता है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब सेंटेंस देखना होगा, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है, अजय अजय हमारा सब्जेक्ट, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारा फोकसिंग, ठीक है, ऑन हिज वाइफ, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि नॉट यहाँ पे लगाएंगे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच बीच। चलते हैं आगे, तो हमारा आता है इंटरो, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक, व्हाट इज दैट, एनीवेज आने दो। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारा एक आता है क्लोज एंड, एक आता है, लिख ही देते हैं, हाँ, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, ओपन ओपन और क्लोज, दो प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। क्लोज में जब हम जब क्लोज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल, तूने खाना खाया, तो आंसर जब आया कि हाँ या ना, तुमने खाना खाया, तो हमने किसी बंदे से पूछा आपने खाना खाया, तो उसने क्या जवाब दिया, नहीं, हाँ, ठीक है, उसने आंसर दिया या तो जस दिया होगा या तो नो दिया होगा।
अरे मैं सो गई थी, तुम कब गई थी? ठीक है, जैसे कि तुमने खाना खाया। अब यही क्वेश्चन अगर हम उसी से पूछेंगे, तुमने खाना क्यों खाया, है ना, तो तुमने खाना क्यों खाया, ऐसा हम उससे पूछ लेंगे, तो वो कैसे जान आंसर देगी? मैंने ये खाना इसीलिए खाया क्योंकि मैं सो रही थी, क्योंकि मैं सो के उठी थी और मुझे अचानक से भूख लगी, और मैं जब सोने जब मुझे अचानक उठी तो मुझे भूख लगने लगी, और जिससे कि मेरा पेट भर गया और मैं सो जाने। अब मैंने ये करना है क्योंकि इससे मुझे शक्ति मिलती है, शक्ति मिल ऐसे, मतलब कि डेलिब्रेटली आंसर देगी वो, डेलिब्रेटली वो क्या करेगी, डेलिब्रेटली आपको वो डिस्क्राइब करेगी, एक्सप्लेन करेगी, डिस्क्राइब या एक्सप्लेन करने लग जाएगी कि भाई ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं ऐसे करती थी क्योंकि। तो सीधा सीधा मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है, सीधा सीधा मतलब है कि जब एक्सप्लेनेशन की बात आती है या यस और नो की बात आती है, तो हमें यहाँ पे क्लोज एंडेड की बात करनी पड़ती है। और जब हमारा मतलब कि जब हमें एक्सप्लेन करना होता है कोई चीज़, तो हमें ओपन एंडेड की बात करनी पड़ती है। जब हमारा आंसर यस या नो में आता है, तो हमें क्लोज एंडेड की बात करनी पड़ती है। सीधा सीधा अर्थ इसका बस इतना ही है कि जब सेंटेंस में क्लोज एंडेड की हम बात करते हैं, तो हमें आंसर मिलता है यस या नो में, कोई भी सेंटेंस को, है ना। सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट के साथ हमें लगाना पड़ता है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। और जब हम ओपन एंडेड की बात करते हैं, ओपन एंडेड की, तो इसमें हमारा लगता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं ये भी आपको जानना होगा। इसके बाद जो भी ये लिखा हुआ है, इस सारा का सारा वैसा ही लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब, मेन सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरह से जो है हम क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड की बात करते हैं। ओपन एंडेड की जब हम बात करेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड्स कोई भी हो सकते हैं, व्हाट, व्हाई, विच, वेयर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ये कोई भी आ सकते हैं। जब इस क्वेश्चन में ये सारे आए, तो हमें समझ जाना चाहिए ये हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी गोना टॉक अबाउट हियर, ठीक है। असर्टिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया हमारा। अब हमारा आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से आपको समझना चाहिए, इसमें सब्जेक्ट की बात जो है नहीं करते हैं, अंडरस्टूड होता है। क्या होता है? अंडरस्टूड होता है, क्योंकि बंदा अब किसी को बोलना हेल्प मी, तो कोई वहाँ खड़ा होगा, किसी बंदी को कह रही होगी तो वही बोलेगा ना हेल्प मी। ये तो अंडरस्टूड है ना कि अगले बंदे को हम कह रहे हैं कि भाई हमारी हेल्प करो, तुम ही करोगे, दीवारों को तो कहेंगे नहीं। कहने का मतलब इतना ही होता है, इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, इसलिए सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता। जो सेंटेंस स्टार्ट होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में, वह फर्स्ट से स्टार्ट होता है, उसके साथ हमारा ऑब्जेक्ट लिख लिया जाता है, ठीक। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस में, किस चीज़ की बात की जाती है मेनली, तो सबसे पहले आता है रिक्वेस्ट। किसी को हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ ये कर दो ना, प्लीज़ हमें काइंडली रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज़ हेल्प मी, रिक्वेस्ट करते हैं। शट द डोर, किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, सॉरी, ऑर्डर करना किसी को, पुलिस ऑफिसर ने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा, ठीक है, कमांडोज, ये भी ऑर्डर में आता है। इसके अलावा आता है हमारा एडवाइस, ठीक है, किसी को एडवाइस करना, तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना, सजेस्ट करना किसी को, ठीक है। किसी को धमकी या वार्निंग देना, वार्न करना किसी को। इसके अलावा लीगली किसी को प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिशन का मतलब आपको जानना होगा कि प्रोहिबिशन क्या क्या मतलब है।
प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि किसी को लीगली बाउंड करना, किसी की चीज़ के लिए लीगली बाउंड या रिस्ट्रिक्ट करना, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें कानूनी ज़ुर्म की सज़ा मिल सकती है, प्रोहिबिशन उसको कहा जाता है। इसके अलावा इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसे कि हेल्प मी, गेट आउट ऑफ द रूम, डू नॉट स्मोक हेयर, ठीक है, शट द डोर, सिट हेयर, डू नॉट डू दिस, यू नो, तो इस तरह से जो है जब हम किसी को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, वॉर्न ये सब करते हैं, तो इसको हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रोको, रोका वेडिंग से पहले, रोका वेडिंग से पहले मतलब रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, प्रोहिबिशन, रोका वेडिंग से पहले, समझने के लिए है ये कोई, ठीक है। चौथा सेंटेंस आता है हमारा एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि हमें बताते हैं सरप्राइज या वंडर की बात करते हैं, एकदम हमें अचानक किसी ने हमारे सामने गुलदस्ता ले आया, ठीक है, अचानक से, तो हमें सरप्राइज दिया जाता है, या हमने ऐसी कोई चीज़ देख ली जो हमने पहले नहीं देखी होती है, तो वंडर हो जाता है, ठीक है, तो उस समय जो भी हमें हमारे अंदर से जो फीलिंग निकलती है या सडन जो भी रिएक्शन होती है उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के नाम से जाना जाता है। हमें पार्ट ऑफ स्पीच में जब हम पढ़ते हैं तो इंटरजेक्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन वही है जो कि एक्सक्लेमेशन या सडन फीलिंग को बताने का काम करता है, जैसे कि वाओ, वाओ व्हाट इज दिस, जैसे आउच, फी, हुर्रा, ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं सरप्राइज फीलिंग करवाने के लिए, यू नो, लग जाती है आउट सोरो, ये सभी चीज़ें जो है हमारी सडन फीलिंग की बात करते हैं, ब्रावो, ये सभी। इसके अलावा हमारा फिफ्थ सेंटेंस आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव क्या होता है? किसी भी बंदे को हम बद्दुआएं दें, यार तुम्हारा तो ऐसा हो, क्योंकि तूने मेरे साथ ऐसा नहीं किया तो तेरे साथ ही भी ऐसा हो, गो टू हेल्प, किसी को बद्दुआएं देना या किसी के लिए प्रे करना, विशेस रखना किसी के लिए, किसी को यू नो अंदर से निकलता है वो, कोई देना देना नहीं चाहिए परंतु कोई हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता है तो हम क्या करते हैं उसके लिए, हम भी उसको मतलब दुआएं देते हैं, बद्दुआएं देते हैं। तो जब भी हम किसी सेंटेंस में किसी को बद्दुआएं दें या किसी के लिए अच्छा सोचें तो हम उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि गॉड ब्लेस यू डियर ब्रदर, हेवन बी फुल ऑन यू, तो कहने का मतलब है कि ये सेंटेंसेस जो हैं हमारे असर्टिव सेंटेंस, हमारे यू नो हमारे अधिकार की बात करता है, डिक्लेरेट की बात करता है। जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्लोज एंडेड इंटरोगेट, यू नो क्लोज और ओपन एंडेड की बात होती है। तीसरा हमने पढ़ा इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम रोका वेडिंग से पहले या मतलब कि रिक्वेस्ट ऑर्डर की हम बात करते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। फिर हमने पढ़ा कि सडन फीलिंग की जब हम बात करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी की बात हम करते हैं, मतलब कि सडन आई हुई फीलिंग की बात हम करते हैं। इसके अलावा हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। ये सारे सेंटेंसेस कहीं ना कहीं हमें ये कहीं ना कहीं टेंस में हमें देखने को मिलते हैं। असर्ट करने की अधिकार बात होती है जब, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेशन, ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो ये पांच प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का टॉपिक है टेंस। तो टेंस क्या है? टेंस एक बड़ा एस्पेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले हमें टाइम की बात करनी चाहिए, ठीक। टाइम क्या है? टाइम एक
बड़ा एस्पेक्ट है, क्या है बड़ा एस्पेक्ट है, बल्कि टेंस हमारा एक उसका ही एक छोटा पार्ट है। ठीक, छोटा सा जो पार्ट है वो हमारा टेंस कहलाता है, बल्कि जो हमारा टेंस है टाइम है वो एक बड़ा एस्पेक्ट है, उसका ही एक छोटा सा पार्ट है। टेंस की बात हम आज करने वाले हैं। टाइम जो होता है हमारा, या तो हमारा जो बीत चुका उसको हम पास्ट कहते हैं, जो अभी चल रहा है हम पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट, जब जो हमारे होगा वो हमारा फ्यूचर की बात करता है। सीधा सीधा बस मतलब इतना ही है। टाइम को हम कहते हैं, टाइम को हम कहते हैं स्टेट ऑफ चेंज। क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की अवस्था। परिवर्तन की अवस्था को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन की अवस्था को हम टाइम कहते हैं। ठीक, टाइम तीन प्रकार से हो सकता है, एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, जो अभी बीतेगा, अभी हुआ नहीं है तो वो फ्यूचर कहलाता है। तीन प्रकार से हम टाइम को डिवाइड कर देते हैं। हालांकि टाइम तो इससे भी बड़ा एस्पेक्ट है। जब हम स्पेसिफिक परिवर्तन की बात करते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हम जब करते हैं कि स्पेसिफिक टाइम किसी जगह पे जाके रुक जाना, ठीक है, तब हमारे टेंस की बात की जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि टेंस, टेंस क्या है? टेंस एक, जब हम किसी एक्शन को, टाइम ऑफ एक्शन, जब हमारा एक्शन हुआ था उसको हम क्या कहते हैं? टेंस की बात हम करते हैं। टाइम ऑफ एक्शन, जब हमारा काम हुआ था तब की बात हम करते हैं। इसके अलावा ये क्या हुआ था, एनीवेज, टेंस की जब हम बात करते हैं तो हमें किसी भी समय का एक्शन बताने वाले शब्दों को हम टेंस के नाम से जानते हैं। कि हमारा काम जब हुआ आता है, स्पेसिफिक पॉइंट भी होता है। ठीक, अब ये जो हम कर रहे हैं तो ये स्पेसिफिक टाइम पे हो रहा है। ठीक, टाइम तो हमें बताएगा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में। ठीक है, ठीक है, फ्यूचर के बारे में बताएगा। और एक्शन की जब हमने बात की तो एक्शन बताने वाले वर्ब्स कहाँ से लाएंगे हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट या एसी या ईएस लगाते हैं। और जब फिफ्थ फॉर्म होती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के आईएनजी लगाते हैं। कोई भी काम की किसी पॉइंट ऑफ टाइम में ही होता है। कोई भी काम जैसे हो रहा है तो, ठीक है, तो स्पेसिफिक टाइम पे होता है ना, तो वो एक हमारा पास्ट बन जाता है। जो हम अभी कर रहे हैं एक्सपीरियंस, वो हमारा थोड़ी देर बाद वो पास्ट बन जाएगा, परंतु जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है या हम कर चुके हैं वो एक टाइम बताने वाले शब्दों को हम कह सकते हैं। कहने का मतलब बस इतना ही है यहाँ पे कि एक्शन तो हमने पता चल गया कि एक्शन जो होता है वो वर्ब के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी वर्ब्स के नाम हमने पढ़ा। इसके अलावा टाइम को बताने वाले तीन प्रकार से हम कोई भी एक्शन करते हैं। ठीक है, कोई भी काम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में होता है, ठीक है, उसको हम टेंस कहते हैं। तो पास्ट, पास्ट वो है जिसको हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकता, वक्त का एक हिस्सा जो एक्सपीरियंस कर लिया गया है। ठीक, दूसरा है प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट जो है हमारा, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, प्रेजेंट वो है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसके अलावा जो फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो फ्यूचर जो है हमारा मूड डिसाइड करता है, या वो होगा या ना होगा
वो हमें नहीं पता। फ्यूचर वो है जो अभी कुछ नहीं हुआ, उसका फ्यूचर बस बना दिया गया है। जो सही में होता है वो है हमारा प्रेजेंट, और जो हमारा हो रहा है प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर अभी हुआ नहीं तो उसकी चिंता हमने की ही नहीं। और ये हमारी तीसरी कैटेगरी जो होती है वो फ्यूचर कहलाती है, जिसमें अभी हमारा कोई टेक नहीं है। इसके अलावा फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो कहने का मतलब है कि ये अभी हुआ नहीं तो हकीकत नहीं है, सच नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में होता है, ठीक है ना। ये हमारे दिमाग में चल रहा होगा एक विचार है, मैं कल हरिद्वार जाऊंगी, तो ये सिर्फ विचार मेरे दिमाग में है। अभी कल आया नहीं और मैं हरिद्वार गई नहीं, तो ये विचार जो है वो सिर्फ मेरे दिमाग में ही है। इसीलिए फ्यूचर टेंस जो है उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सिर्फ भी इसको ऐसे हमें हमारे दिमाग को समझाने के लिए कि ऐसा कुछ होता है, इसलिए हम फ्यूचर का यहाँ पर नाम रखते हैं। पर परंतु फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, इसमें सिर्फ हमारी जो है क्या कहते हैं उसको, हमारी सिर्फ ये दिमाग में होता है ये कि फ्यूचर कोई टेंस है, ठीक है। इसके अलावा जब हम इसको बनाने लगते हैं, शुरू करते हैं, तो वर्ब पैटर्न देखना पड़ता है कि किस तरह से एक्शन जब हम बताते हैं, एक्शन को बताने वाले कई सारी वर्ब पैटर्न्स हमें देखने को मिलता है। जब हम टेंस बनाने लगते हैं तो टेंस के कई एस्पेक्ट होते हैं, पहलू होते हैं। टेंस को बनाने के लिए हमें चार एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं, ठीक। सबसे पहला आता है इनडेफिनिट, ठीक है। इनडेफिनिट की जब हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों सेंटेंसेस में हमें देखने को मिलता है इनडेफिनिट। दूसरा आता है कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस जो होता है वो हमारा ये। तीसरा आता है परफेक्ट, ठीक। और चौथा हमारा आता है, चौथा होता नहीं है बना दिया जाता है, जो होता है कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ठीक है। तो कहने का मतलब बस इतना ही है। ये क्या हुआ, पहला हमने देखा इनडेफिनिट, दूसरा हमने देखा कॉन्टीन्यूस, और तीसरा हमने देखा परफेक्ट का। जब इनडेफिनेटली जब हम बात करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्लस SES या वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES या ऐसा सब लगता है। दूसरी कॉन्टीन्यूस की जब हम बात करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। जब परफेक्ट की बात करते हैं तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की जब हम बात करते हैं तो बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ठीक। तो मतलब बस इतना ही है कि जब हमें ये पता चल गया कि इनडेफिनेट में वर्ब फर्स्ट SES या वर्ब सेकेंड लगता है, कॉन्टीन्यूस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के ING लगता है, परफेक्ट में वर्ब थर्ड ही आती है, वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में बीन लगा के हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, तो आधा काम हमारा इसमें ही हो जाता है। इसके अलावा जब हम सेंटेंस में जब बनाने लगते हैं तो सबसे पहले हमें इस बी को जानना ज़रूरी होता है। बी जो है वो एक अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है, नॉन एक्शन वर्ब कहलाती है ये। और इसके अलावा जो है वर्ब बी की फर्स्ट फॉर्म जो है इज़ MR होती है, दूसरी होती है हमारी वॉज वर, ऑब्वियसली वर्ब वर्ब सेकेंड वर्ब फर्स्ट, और तीसरी आती है बीन, ठीक। जब हम इसको टेंसेस को जब हम बनाने लग जाते हैं स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में बेसिक लेवल पे हमें ये जानकारी होनी चाहिए, बी जो है वो हमेशा प्रेजेंट में आएगा, वॉज वर जो है वो पास्ट में, और बीन जो है वो भी आगे। तो वो हम देखते हैं किस तरह से आएगा।
इसके अलावा टेंस को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल बेस्ड पढ़ते हैं, जैसे कि बेसिक लेवल पे हम आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब किस तरह से बनती है, मेन वर्ब किस तरह से बनती है, ये हम देखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारा कंपेयर करके, हम दो सेंटेंस को उठाते हैं, दोनों को कंपैरिजन भी लाते हैं, तो उसको कहते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। तो जब हम सबसे पहले पढ़ेंगे तो अभी हम जो है बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। बेसिक लेवल में सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस जो होते हैं वो हमें बताते हैं किसी भी टेंस के प्रेजेंट की बात करते हैं जिसमें SES लगा होता है। ठीक, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेंस में जब सेंटेंस लिखा हो तो उसकी अरेंजमेंट्स हमें पता है, इसके अलावा मीनिंग निकलना चाहिए, इसके अलावा किस टाइम पे हो रहा है, टेंस जो है वो किस टाइम पे हो रहा है, तो वो हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रेजेंट डेफिनेट की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट डेफिनेट में दो प्रकार के सेंटेंसेस हो जाते हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अफर्मेटिव और एक आ जाता है नेगेटिव। दो प्रकार के सेंटेंसेस हमें देखने होंगे, अफर्मेटिव में सिंगुलर और प्लूरल भी आ जाएंगे और सिंगुलर नेगेटिव में भी सिंगुलर और प्लूरल आ जाएंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब आता है तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर बनाना होता है ना, और जब सिंगुलर में नेगेटिव आ जाता है तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर बनाना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस बनाते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो की फर्स्ट फॉर्म लगा के एस या ई एस लगा के हमारा ऑब्जेक्ट लिख लिया जाता है। जब यही जो है अफर्मेटिव में अगर प्लूरल हमें सब्जेक्ट देखने को मिले तो हमें वर्ब फर्स्ट लगा के ऑब्जेक्ट लगा लिया जाना चाहिए। ठीक, दूसरा जब नेगेटिव की बात हम करते हैं तो अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट लगा के डज, डू के साथ, हमने डू कहाँ से लाया वो भी हम देखते हैं। ठीक है, डू के साथ ई एस लगा के डज बन जाता है, और इसके साथ हमने नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा लेंगे, नॉट के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि प्लूरल सब्जेक्ट अगर आता है, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें SES नहीं लगता, सिर्फ डू लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। अब ये सेंटेंस जो है सेंटेंस पे देख के ही पता चलेगा कि किस तरह से होता है, जैसे कि ये है रवि डैश सिंग और सॉन्ग। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रवि को क्या आएगा। ठीक है, रवि सिंग जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, जब हम इसको चेंज करते हैं अफर्मेटिव में, ठीक है, तो किस तरह से चेंज करेंगे, रवि सिंग्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगना चाहिए। ठीक है, वही हमने पढ़ा भी, क्योंकि ये रवि एक है इसीलिए हमने एक के साथ SES लगाया, क्योंकि ये अफर्मेटिव है, उसके साथ हमने SES लगाया और सॉन्ग वैसा वैसा लिख दिया। जब हम इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो रवि रवि का आ जाएगा, तो रवि डज नॉट लगाएंगे, क्योंकि क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ डज नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, क्योंकि ये सिंग्स हमने किया था, क्योंकि अफर्मेटिव बना रहे थे हम लोग, अब ये नेगेटिव बना रहे हैं तो नेगेटिव में डज नॉट लगा के वर्ब की जो फॉर्म है उसको सिंगल रखेंगे, फिर जाके ऑब्जेक्ट हमारा वैसा का वैसा। कहने का बस मतलब इतना है इसमें, यही है कि जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हमारा SES ही लगता है। ठीक है, जब हमारा नेगेटिव बनता है तो हम इसको SES को हटा देते हैं और हम क्या लगाते हैं, डज नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है,
और इसी में जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डज पहले आ जाएगा, फिर रवि आएगा पहले हेल्पिंग, वही इंटरोगेटिव में क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड की जब बात करते हैं। तो इसमें यह याद रखना है कि डू की फॉर्म किस तरह से यहाँ पे लगती है। डू की तीन फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा आगे सबसे पहले डू, डू के साथ ई एस या एस, ई एस ही लगता है मेनली इसमें, ये प्रेजेंट में लगता है। डिड जो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए ये पास्ट में लगता है। डन तो थर्ड फॉर्म है, ये तो परफेक्ट में लगता है। तो कहने का बस मतलब इतना ही है कि डू की फॉर्म जो है वो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट वीक गोना टॉक अबाउट प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस में हमने पढ़ा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे आई एन जी लगाते हैं, और प्रेजेंट है तो इज एम आर, इज एम आर। हमें पता है इज जो होता है और जो आर होता है वो प्लूरल होता है, और इज जो होता है वो सिंगुलर होता है। एम तो आई के साथ ही लगता है, ये तो हमें सबको पता है, ठीक है। जब हम इसके स्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, इज एम आर लगा के, इसके अलावा हमने क्या करना है, इसके अलावा हमने मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि लिख लेते हैं शिखा इज गोइंग टू जॉब, ठीक है। तो ये ऐसे मैंने ले लिया रैंडम। तो कहने का मतलब है कि शिखा जो है इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हुआ, इज क्या है हमारा मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गया, गोइंग हमारा मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। जब हम इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो कैसा बनेगा, इसका नेगेटिव जब कैसे बनाएंगे हम देखते हैं। तो नेगेटिव हमारा शिखा बना देंगे, इसके साथ हम नॉट लगा के गोइंग टू स्कूल। जब इसी का हमने इंटरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा, इज शिखा गोइंग टू स्कूल, ठीक है, और इज शिखा डज नॉट। तो इस तरह से हमने लिखना है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में हमें पता चला कि किस तरह से हम आई एन जी लगा के हम अपने टेंस को कंप्लीट करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस यही होता है, जैसे कि दे आर वेरी क्रूल, ठीक है। ये मैंने ऐसे इलीगल क्वेश्चन लिया, तो आर जो है वो हमेशा क्या लगता है प्लूरल के साथ, तो दे जो होता है वो बहुत सारे हैं, इसलिए दे के साथ। नेक्स्ट वीक गोना यू नो, तो ये सेंटेंसेस हमने पढ़ा था बी से लाते हैं हम इज एम आर, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूअस में हमने क्या किया है, इसको ही यूज़ किया। दूसरी इसकी फॉर्म होती है वॉज वर, वो हम देखते हैं कहाँ लगती है। नेक्स्ट वीक चलते हैं प्रेजेंट के, इनडेफिनेट हो गया प्रेजेंट का, कॉन्टीन्यूअस हो गया, अब हम चलते हैं परफेक्ट की तरफ, ठीक। परफेक्ट क्या है, परफेक्ट को जब हम बनाते हैं तो हमें चाहिए रहता है हैव का फॉर्म। हैव की तीन फॉर्म्स होती हैं, पहला तो हैव ही होता है, दूसरा होता है हैड, तीसरा भी क्या होता है हैड, हैड हैड हैड। जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम हैज हैव की बात करते हैं, तो हमारा आता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। इसमें परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, शी हैव, हैव हमेशा प्लूरल होता है, ये आपको याद रखना है, प्लूरल और सिंगुलर। अब ये हैज़ है, शी हैज़ कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, शी हैड,
शी हैज़ अ गुड लाइफ, कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि हैव से बना लें, आई हैव सबमिटेड माई बुक। बहुत ही हार्ड हो गया ये क्वेश्चन, तो हैव के साथ आई भी लग सकता है, और ये हमारा होता है सिंगुलर। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि हैज़ किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। हैज़ जो होता है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक, और ये हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है। ही शी इट दे, है ना, ही शी इट दे इट के साथ लगता है। जब हैव की हम बात करते हैं तो हमारा ये होता है प्लूरल, परंतु प्लूरल के साथ इसकी ये अदर क्वालिटी है कि ये आई के साथ भी लग जाता है, प्लूरल की तरह बिहेव करता है। आई जो होता है हमारा हैव के साथ लग के प्लूरल की तरह बिहेव करता है, परफेक्ट टेंस में, ठीक है, सिर्फ परफेक्ट में और कहीं नहीं। ये आपको याद रखना है, हैव के साथ लगते कैसा बिहेव करता है ये, मतलब कि रंग बदलता है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा था आई हैव, प्लूरल की बात कर रहा है सबमिटेड, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, माई बुक तो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और सबमिटेड थर्ड फॉर्म है। कहने का मतलब इतना ही है, परफेक्ट टेंस में हमारा है जब लगता है। अब चलते हैं हम पास्ट की तरफ, जब हम प्रेजेंट की जब हम बात कर लेते हैं, हम थक चुके हैं, हम पास्ट इनडेफिनेट की बात करेंगे। हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट में अफर्मेटिव और नेगेटिव, इसमें भी हम इस तरह से लेके चलेंगे क्योंकि इसमें पॉजिटिव सेंटेंस भी होते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। जब हम इसका अफर्मेटिव बनाते हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट तो सब में लगता है, सब्जेक्ट कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ये आपको याद रखना है। इसका जब इंडेफिनेट बनाते हैं तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव फर्स्ट सेंटेंस जो होता है वो बनाते हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है और उसके साथ ऑब्जेक्ट लग जाता है और सेंटेंस कंप्लीट, ठीक। जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ हमें लिखना पड़ता है डू की सेकेंड फॉर्म। डू जो है हमने प्रेजेंट में लगाया, अब डू की सेकेंड फॉर्म जो होती है डिड होती है, तो डिड हम यहाँ पर लगाते हैं और उसके साथ नॉट भी हम लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है।